खबर करेरा से, जहां कस्बे के सुप्रसिद्ध सिद्ध स्थल शिव मंदिर पर आयोजित श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। शिवपुरी झांसी रोड पर जनपद के पास स्थित प्राचीन काली माता मंदिर के मंदिर से कलश यात्रा प्रारंभ होकर पुराने पावर हाउस स्थित शिव मंदिर तक डीजे ढोल नगाड़ों और गाजेबाजी के साथ पहुंची। रास्ते में स्थानीय श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में सम्मिलित भक्तों का स्वागत किया। डीजे पर थिरकते हुए विशाल जनसमूह में सम्मिलित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलश यात्रा के कार्यक्रम में क्षेत्रीय भक्त उपस्थित रहे। कलश यात्रा के पश्चात यज्ञ आचार्य पंडित श्री योगेश शास्त्री द्वारा सभी यजमानों से श्री गणेश पूजन, अंबिका पूजन, गंग पूजन कराया गया। तत्पश्चात सभी सम्मिलित भक्तजनों को प्रसाद वितरण किया गया। दोपहर 2 बजे से कथा व्यास पंडित श्री रामजी शरण शास्त्री के मुखारविंद से प्रथम दिवस की कथा में राम नाम महत्व की कथा एवं भगवान शिव सती संवाद की कथा सुनाई जाएगी। आयोजक मंडल ने अधिक से अधिक भक्तों को कथा में सम्मिलित होने की अपील की है। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति मिलती है। इसलिए सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुकरण एवं निरंतर हरि स्मरण एवं भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। कलयुग में भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व है। सभी लोगों को अपने जीवन में भागवत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है वो भवसागर से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।